तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था एंड्रॉयड 11 बीटा वर्सन रोलिंग आउट स्टार्ट हुआ है गूगल पिक्सल डिवाइसेस के लिए। तो उसके बाद और एक वीडियो मैंने बना दिया था जिसमें बताया था रियलमी का X50 प्रो ऐसा फ़ोन होगा जिसमें एंड्रॉयड 11 का बीटा वर्सन 1 मिलेगा, और ओप्पो का Find X2 और Find X2 प्रो ऐसा फ़ोन होगा जिसमें एंड्रॉयड 11 बीटा 1 का पहला वर्सन मिलेगा, मतलब बीटा 1 एंड्रॉयड 11 का मिलेगा। तो यहाँ पे आज सबसे बड़ा न्यूज यहाँ पे निकल के आया है ओप्पो की तरफ से, एंड्रॉयड 11 का बीटा 1 ओप्पो फाइंड X2 और ओप्पो फाइंड X2 प्रो के लिए रोलिंग आउट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्या क्या नया फीचर्स आया है, क्या नया चीज़ें आया है, और ये जो एंड्रॉयड 11 आया है वो किस UI में आया है। तो दोस्तों, नया वीडियो में फिर से आपको स्वागत करता हूँ, मैं नहीं हूँ, आप देख रहे चैनल टेक्निकल MD। तो चलिए देख लेते हैं ओप्पो फाइंड X2 प्रो का एंड्रॉयड 11 बीटा का डिटेल्स प्रीव्यू। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहा हो कलरओएस नोटिस ओप्पो 11 एंड्रॉयड 11 प्रीव्यू वर्सन ऑफ फॉर डेवलपर अनाउंसमेंट। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे दिया गया था, मैं वीडियो भी यहाँ पे बना दिया था, कुछ लोगों को मिलेगा बीटा के तौर। तो यहाँ पे एंड्रॉयड 11 बीटा 1 फॉर ओप्पो फाइंड X2 सीरीज इज लॉन्च। तो फाइनली यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, आ चुका है। तो यहाँ पे हाई कलर सुपर फैन द प्रीव्यू वर्सन ऑफ ओप्पो फाइंड X2 एंड ओप्पो फाइंड X2 प्रो एंड्रॉयड 11 बीटा इज अवेलेबल डेवलपर और वेलकम डाउनलोड द वर्सन एंड अडॉप्ट देयर ऐप to it and normal user advised not to download it because the known issue। तो यहाँ पे हार्डवेयर डिवाइस सपोर्टेड के लिए बोला कि पूछा गया है, यहाँ पे सपोर्टेड हार्डवेयर एंड्रॉयड ओप्पो एंड्रॉयड 11 प्रीव्यू वर्जन फॉर एंड्रॉयड डेवलपर सपोर्ट ओप्पो फाइंड X2 सीरीज इंक्लूडिंग फॉलोइंग मॉडल CPH 2023 एंड CPH 2025। इन दोनों मॉडल अगर आपके पास है, बेसिकली चाइना में है और इंडिया में लास्ट वीक यहाँ पे लॉन्च हुआ था उसमें मिलेगा, अदर्स मॉडल यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा। बट वी अबाउट एंड्रॉयड 11 प्रीव्यू फॉर डेवलपर बेस एंड्रॉयड 11 1 बीटा 1 ओप्पो एंड्रॉयड 11 प्रीव्यू वर्सन फॉर डेवलपर एडॉप्ट द UI डिजाइन स्टाइल ऑफ कलर ओएस 7.2। तो कलर ओएस 7.2 के बेस्ड करके एंड्रॉयड 11 बनाया गया है, इसमें एंड्रॉयड 11 बीटा कलर ओएस 7.2 में आया है। तो लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाया था कलर 7.2 का क्या क्या फीचर्स नया है, वो वीडियो अगर नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सोचा था कलर 8 के ऊपर बेस्ड होगा, लेकिन यहाँ पे कलर 7.2 के ऊपर बेस्ड करके एंड्रॉयड 11 का बीटा रोलिंग आउट स्टार्ट हुआ है। और द प्रीव्यू वर्सन इज इंटेलिजेंट द लेटेस्ट गूगल मोबाइल सर्विस GMS द स्टॉक एंड्रॉयड फंक्शन दैट आर द सेम एज GMS विल रिमूव फ्रॉम दिस वर्सन। तो यहाँ पे स्टॉक में भी काम करेगा और UI में भी काम करेगा, और योर फोन विल स्टोरेज विल बी फॉर्मेटेड आफ्टर द अपग्रेड न्यू वर्सन। तो आप बैकअप ले लो, सारे डेटा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, और बैकअप मेथड यहाँ पे बताया गया है वो आप देख पा रहे हो। उसके बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पे डेवलपर रोम दे दिया हूँ, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे भी दिया गया है। तो ओप्पो एंड्रॉयड 11 प्रीव्यू वर्सन पर डेवलपर फ्रॉम फाइंड X2 एंड फाइंड X2 प्रो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आपको मिल जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा 3.72 GB का यहाँ पे डाउनलोड होगा। तो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, तो दोनों लिंक यहाँ पे दे दिया। तो द अपग्रेड पैकेज सपोर्ट ओनली ओप्पो फाइंड X2 सीरीज। तो यहाँ पे भी और भी एक बार बता दिया, फाइंड X2 सीरीज के लिए है, मतलब फाइंड X2 और फाइंड X2 प्रो, उसके अलावा कोई भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा। और प्रोसेसर है 865 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन फ्लैगशिप, अदर्स मॉडल आर नॉट सपोर्टेड बाय दिस वर्जन। तो फ्लैश कैसे करना है वो एक बार देख लो, डाउनलोड कर लो पूरा, फिर पावर ऑफ करो फ़ोन को, देन प्रेस दैन होल्ड द पावर बटन इंटर डिकवरी मोड में जाके यहाँ पे आपको अपग्रेड फायरवॉल पैकेज करना है एंड टैप टू इंस्टॉल करना है। ये नॉर्मल सा प्रोसेस है। ड्यूरिंग द अपग्रेड डू नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन, अपग्रेड के टाइम कुछ भी ऑपरेशन मत करना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो अबाउट दिस वर्सन एंड इट्स नोन इशू, तो यहाँ पे कुछ इशू आएगा वो यहाँ पे बता दिया गया है। मेक ए वीडियो कॉल यूजिंग ए टेस्ट मशीन वुड बी फेल एंड द पार्टी इमेज कुड नॉट बी डिस्प्ले आफ्टर यू एंसर ए वीडियो कॉल द कैन एड्रेस बाय रिस्टार्टिंग योर फोन। तो यहाँ पे पहले वीडियो कॉल में कुछ इश्यू होगा, लेकिन रिस्टार्ट करने के बाद ये ठीक हो जाएगा। योर फोन वुड नॉट डिटेक्ट सिमुलेटेड 4-pole आरफोन जैक एंड ऑडियो वुड प्ले थ्रू द स्पीकर। यहाँ पे 4-pole का जो आरफोन जैक है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, आपको स्पीकर में साउंड सुनना होगा। और चार्जिंग यूजिंग द CDP चार्जर वुड फेल, तो CDP चार्जर का चार्ज यहाँ पे फेल हो जाएगा, मतलब सुपर डार्ट चार्ज, मतलब फास्ट चार्ज यहाँ पे नहीं होगा, इसमें प्रॉब्लम है। द वर्सन इज प्रोवाइडेड बाई ओप्पो एंड इज अवेलेबल ओनली फॉर ऐप डेवलपर और कंपैटिबिलिटी टेस्ट अर्ली डेवलपमेंट
प्लीज नोट दैट कंपेटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इशू अगर टू ऑल डिवाइस वर्सन इंस्टॉल सो दैट वर्सन इज रिकमेंड फॉर एवरेज यूजर। तो यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग के लिए बताया गया है, कोई बात यहाँ पे है नहीं, आप नहीं कर पाओगे। साम ऐप कुछ ऐप यहाँ पे काम नहीं करेगा, और CPH 2023 में वही इंस्टॉल करो, CPH 2025 में ही वही इंस्टॉल करो, दूसरा में नहीं करो और मिक्स ना हो जाए, ये यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है। आफ्टर इंस्टॉलिंग एंड्रॉइड 11 प्रीव्यू डेवलपर ऑन योर फोन ऑल यूजर विल बी इरेज, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया। तो इफ़ यू रोल योर वर्सन बैक फ्रॉम एंड्रॉइड 11 टू एंड्रॉइड 10 ऑल यूजर विल बी इरेज्ड, मेक यूज ड्यूटा बैकअप बिफोर द रोल बैक। तो यहाँ पे अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो यहाँ पे आप रोल बैक कर सकते हो, रोल बैक का लिंक भी मैंने नीचे दे दिया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा है। यहाँ पे रोल बैक करने का जो ऑप्शन है वो बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ फाइल मैनेजर में ओपन करना है, ओपन करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे बैकअप डेटा टैप नेक्स्ट बोल का ऑप्शन आएगा, कन्फर्म द रोल बैक ऑप्शन आएगा, क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली रोल बैक हो जाएगा। तो ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे रोल बैक में नहीं होगा अगर 11 में 7.2 में आपका कुछ प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे कुछ नया फीचर्स जो आपको, और अगर रोल बैक में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको सर्विस सेंटर में लेके जाना होगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब कुछ नया फीचर यहाँ पे दिया गया है वो एक बार यहाँ पे देख लो, फुल स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ। तो एंड्रॉइड 11 बीटा कलर 7.2 हाईलाइट ओप्पो फाइंड एक्स सीरीज एंड्रॉइड 11, तो ये ऐसा स्क्रीन आएगा। शेड्यूल डार्क मोड बोल के एक ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा, ऑटोमेटिक स्विचिंग मोड कन्वीनियंस ऑप्शन जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सनसेट का साइकिलिंग से यहाँ पे शेड्यूल डार्क मोड ऑप्शन मिलेगा, ये फीचर आपको नया मिलेगा यहाँ पर दिया गया है। और एक चीज़ यहाँ पे इनहेंस प्राइवेसी प्रोटेक्शन, तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन बहुत ही इनहेंस किया गया है। स्ट्रिक्ट डेटा एक्सेस मोड सेफ्टी, यहाँ पे डेटा एक्सेस मोड सेफ्टी किया गया है। और डिवाइस कंट्रोल में एंजॉइंग कंट्रोल डिवाइस विथ योर बिल्ड इन एंड्रॉयड, यहाँ पे डिवाइस कंट्रोल वाला एक फीचर है जिसमें आप कंट्रोल बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। और यहाँ पे बेड टाइम मोड बोले एक नया मोड आया है, जहाँ पे ए जेंटल रिमाइंडर फ्रॉम डिजिटल वेलबिंग, जो डिजिटल वेलबिंग के बेड टाइम मोड ऑप्शन आपको ही मिलेगा। और एफिशिएंसी इजी कॉन्टैक्ट एट एनी टाइम, यहाँ पे एफिशिएंसी ऑप्शन है जहाँ पे कॉन्टैक्ट आप इजी कर सकते हो। एंड्रॉइड 11 नॉट अलाउड टू रिप्लाई मैसेज डायरेक्टली नोटिफिकेशन बार विद डेडिकेटेड कन्वर्सेशन सेक्शन, बट ऑल्सो लेट यू पिन योर प्रायोरिटी कॉन्टैक्ट इन द सेक्शन, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट को आप पिन भी कर सकते हो उसको रिप्लाई देने के लिए। तो ये बहुत बढ़िया है। तो ये तीन चारों चीज़ें यहाँ पे दिया गया है जो नया आया है, और आपको फाइंड एक्स 2 और फाइंड एक्स 2 प्रो में मिलेगा। इसके बाद एक्स 50 प्रो में शायद नेक्स्ट वीक मतलब जून में एनी भी आपको अपडेट मिल जाएगा, वो भी कलर 7.2 का बेस्ट है। तो सेम चीज़ यहाँ पे आएगा यहाँ पे Realme X50 Pro के लिए, तो उसके लिए बने रहो, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा क्या हो रहा है। तो दोस्तों यही था Oppo Find X2 सीरीज का Android 11 Plus कलर 7.2 अपडेट के बारे में डिटेल्स वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आज वीडियो इतना ही, बाय।